हकीम साहब, जब बात करें हम बालों को लेके, तो बालों की समस्या चलिए एक उम्र में तो देखी जाती है, जैसे कि यंगस्टर्स के साथ भी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन एक एज जब बढ़ती रहती है तो व्यक्ति को लगता है कि चलिए हमारी एज बढ़ रही है तो इसलिए हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल कम हो रहे हैं। तो वो जो एक एज बढ़ने वाला फैक्टर होता है, क्या हम उस एज में भी अपने बालों को बचा सकते हैं झड़ने से? हाँ, देखिए, बाल एक ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ है जी जिसे सब पसंद करते हैं। बिल्कुल मतलब बाल के बगैर मेरी ज़िंदगी गुजर सकती है आसानी से, जी लेकिन बाल मुझे भी चाहिए। बिल्कुल और ये खूबसूरती बनाई है ऊपर वाले ने हमारे, और बालों पर एक शेर याद आ रहा है मुझे जी बिल्कुल कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को, जुल्फ कहते हैं बालों को, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कईयों। तो ये बाल ख़ास तौर पर तो महिलाओं के ज़रूरी हैं, शायद महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं। अच्छा, हर चीज़ की एक ग़िज़ा एक डाइट है जिसका आप ख्याल रखते हैं। आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो आपको कैल्शियम दिया जाता है, खून कम होता है तो मल्टी विटामिन दिए जाते हैं। ऐसी बाल जिस चीज़ से बनते हैं वो है नारियल पानी। नारियल पानी पिया करें, मैं भी पीता हूँ। और अगर फिर भी कोई रोग है ऐसा कि बाल कमज़ोर हो रहे हैं, तो इसमें कॉर्न मोरिंगा सफ़ेद आता है, आधा ग्राम मिला के एक नारियल पानी पिया करें। बाल ऐसे के संभाले ना जाए, मैं खुद लेता हूँ, आज तक बुढ़ा आदमी होने के बाद भी मेरे बाल जवानों से ज़्यादा हैं, और मेरे भी गिरने शुरू हो गए थे। तो मैंने ये नुस्खा लिया था तो काफ़ी, यानी लोग रश करते हैं, यानी क्या कहते हैं, जलन सी होती है मेरे जो साथी हैं, क्योंकि सब गंजे हो गए हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखते थे। मैं अपना ख्याल हमेशा रखता हूँ क्योंकि मुझे आपके सामने पेश होना होता है रोज़ाना। अगर मेरे ही बाल नहीं होंगे तो आप मुझसे, अगर मैं आपको बालों का नुस्खा बताऊंगा तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे।